Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उधम सिंह नगर जिले में शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे में लगभग 63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसमें सबसे कम रुद्रपुर में 22 मिलीमीटर तो सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर बारिश खटीमा में दर्ज की गई। लगातार बारिश से जिले में पारा 3.5 डिग्री नीचे लुढ़क गया। बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर है। जल भराव के कारण खेतल संडा खाम के 25 ग्रामीणों को राहत शिविर में रखा गया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुक्त दीपक रावत से हालात की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। वहीं कठुआ हमले को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है।